शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कला क्रिएशन के डिजाइन लॉन्च से पहले किसी और ब्रांड ने सेम टू सेम मार्केट में लॉन्च कर दी। क्या हुआ, इतना टेस्ट भी लग रहा है। हम कला क्रिएशंस का लॉन्च करने ही वाले थे, आशी के सब डिजाइन्स उस सिंघानिया के पास कैसे पहुंचे? पर वो है कौन? वो सिंघानिया एक शार्क है, वो जिस भी फील्ड में जाता है, जिस भी समंदर में जाता है, वहाँ की सारी मछलियों को निकल लेता है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं सब पता लगा रहा हूँ। सॉरी, देखो हम जानते हैं कि हमने जो किया वो सही नहीं था, पर हमारा यकीन करो, हमें उस बात का बहुत पछतावा है। हम तुमसे कल से सॉरी बोलने का भी ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ सॉरी। तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? छोटी सी बात पे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना क्या उसका तमाशा बना रहे हो? छोटी सी बात तुम्हारे लिए? छोटी सी बात है, मेरी माँ के नाम पे जो ब्रांड है उसके डिजाइन्स को तुमने लॉन्च होने से पहले ही बेच दिया, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? सिटी, तुम क्या कह रहे हो? हम अपने ही ब्रांड के डिजाइन्स किसी को क्यों बेचेंगे? पैसों के लिए तुमने मेरी माँ के नाम को ऊपर उठने से पहले ही डुबो दिया आशी, तुमने डिजाइन्स को सिंघानिया को पहले बेच दिया। बस करो सिर, क्या है, हर इशू के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए हमें ब्लेम करते हो? हम जिसके डिजाइन पे इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको किसी और को जाके बेच देंगे क्या? सिर्फ तुम हमें जानते नहीं हो क्या? इतने गिर जाएंगे हम? हमने पैसों को कभी रिश्तों और जज्बातों से ऊपर नहीं रखा है। रही बात सिंघानिया की, तो हमें नहीं पता कौन है सिंघानिया, हमने तो उसका नाम भी नहीं। अरे वो तेरे डिजाइन है ना, वो सिंघानिया को बहुत पसंद आए। तूने जो गाला कॉम्पिटिशन में भेजे थे तो उसी के रिगार्डिंग कोई पेपर्स भेजे, कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो सिंघानिया ग्रुप से हमें एक मेल आया था, उन्होंने कुछ पेपर्स भी भेजे थे, पर उसके बाद हमने कभी इनका नाम नहीं सुना है। आशी जल्दी चलो, तुमसे कोई मिलने आया। हमसे? हाँ चलो, लेट्स गो, आ जाओ जल्दी से। कहिए, हम हैं आशी शर्मा। तुम यहाँ कैसे? कैसे है यहाँ पे? एड्रेस किसने दिया तुम्हें यहाँ का? वेट, आप आशी जी हैं? सॉरी मैम, एक्चुअली कल जो हुआ उसके लिए मुझे पता नहीं था कि आप ही आशी जी हैं, पता होता तो वो सब। आई एम रियली सॉरी। यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली मैंने आपको कई फोन किए पर आपने एक भी पिक नहीं किया। क्योंकि आशी जी अननोन नंबर से फोन नहीं उठाते। इट्स ओके मैम। आपने बताया नहीं क्यों है यहाँ पे? ये बुके और 50 लाख का चेक देने, सिंघानिया सर ने आपके लिए भेजा है। मिस्टर सिंघानिया, 50 लाख का चेक। अब बोलो आशी, अब भी यही बोलोगी कि नहीं जानते कि सिंघानिया है कौन? देखिए मिस्टर, मिस्टर पीयूष पांडे, सिंघानिया सर का पीए। आप जो भी है, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आशी जी ने खुद सिंघानिया ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है, इन्होंने खुद हम अपने डिजाइन भेजे थे, तो ये उसी की पेमेंट है, पूरे 50 लाख रुपए। कतई जहर, 50 लाख, वो भी कुछ डिजाइन्स के? आशी तू तो बिजनेस में बड़ी उस्ताद निकली।
आशी बेटा, ये सब क्या है? आशी जी, अब मैं नहीं पता ये सब क्या कैसे। मिस्टर पीयूष, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सब क्या है? आई डोंट थिंक सो मैम। एनीवेज, मैं चलता हूँ। सर ने आपको कल ऑफिस में बुलाया। तुमने तो कहा था तुम सिंघानिया को नहीं जानती, तो फिर ये क्या है? तुमने तो सिंघानिया के साथ कोलैबोरेशन किया है, उसको अपने डिजाइन्स भेजे हैं और देखो उसके पेमेंट भी आ गए। अब भी तुम्हारे यही कहना आशी, तुम सिंघानिया को नहीं जानती? सिद्ध बेटा, हम सब अच्छे से जानते हैं कि आशी ऐसी लड़की नहीं है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुआ है। आशी बेटा, याद करो कि सिंघानिया ग्रुप के साथ तुम्हारा कोई कोलैबोरेशन हुआ था क्या, या फिर ऐसी कोई बात हुई थी? पापा जी, अब तो जानते हैं ना, हमें पापा का घर छुड़वाना था, पैसे कमा रहे थे, हमें कुछ काम करना था, तो हम अपने डिजाइन्स बना रहे थे, पर सिट के साथ कला क्रिएशंस ज्वाइन करने के बाद हमने सारा पुराना काम छोड़ दिया। इसके बाद हमें नहीं पता क्या कैसे। लेकिन पीयूष जी बोल रहे थे कि सिंघानी ग्रुप के साथ तुम्हारा कोलैबोरेशन हुआ है। अगर कोलैबोरेशन हुआ है तो पेपर्स तो साइन हुए होंगे ना? तो बेटा याद करो कि पेपर्स वगैरह साइन किए थे क्या? पापा जी, हमें ऐसा कुछ भी याद नहीं है, हमने कोई पेपर साइन नहीं किए थे। हाँ, वो मासी जी के बर्थडे के टाइम पे ना एक मेल आया था सिंघानिया ग्रुप्स का फार्म हाउस पे, और फिर निधि ने हमें बताया था कि गाला इवेंट में हमने जो डिजाइंस भेजे थे वो सिंघानिया ग्रुप्स को बहुत पसंद आए थे, तो वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे, पर उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई रिगार्डिंग। निधि, तुझे याद है हमने तुझे बोला भी था कि उनके पेपर्स लेके आना पार्टी में? हाँ, तो तुझे याद है उस दिन पार्टी के दिन जिस दिन हम आए थे फार्म हाउस पे, उस दिन हम पेपर्स लेकर आए थे, डिजाइंस के साथ थे, और हमने तुझे कहा भी था कि हमने वो पेपर्स पढ़े नहीं है, तो तू एक बार पढ़ के फिर साइन करना। शायद से तूने जल्दी जल्दी में साइन कर दिए, तो हमने तो वो दूसरे दिन सिंघानिया के ऑफिस भेज दिए थे। दीदी, हमने वो पेपर्स पढ़े नहीं थे। पर तूने साइन तो करे थे ना। दीदी, पर उस टाइम हमारा ध्यान नहीं था। ओ कम ऑन आशी, अब झूठ मत बोलो। वैसे तो तुम एक एक चीज बारीकी से देखती हो, कोई भी पेपर हो एक एक लाइन पढ़ती हो। इतना बड़ा बिजनेस चला रही हो अपना, इतनी स्मार्ट हो, और तुमने किसी कंपनी के एग्रीमेंट पेपर्स ऐसे ही साइन कर दिए। झूठ मत बोलो आशी, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? ओके गाइस, माना तुमने एग्रीमेंट पे गलती से साइन किया था, एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे डिजाइन्स वहां पहुंची कैसे? हमें नहीं पता आशी, अगर तुमने नहीं भेजी तो किसी ने तो भेजी होगी ना। डू वन थिंग, अपना लैपटॉप चेक करो। जा, हमारा लैपटॉप लेके आ। हाँ। हमारी मेल से सिंघानिया ग्रुप्स को डिजाइन्स गई हमारी, पर हमने तो नहीं भेजी। सिद्ध, हमारी बात तो सुनो। सिद्ध, कतई जहर एक ही झटके में 50 लाख? सर प्लीज सुनो, सर हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमारी बात का विश्वास करो। सर कैसे विश्वास करूं? तुमने अपने हाथों से कोलैबोरेशन पेपर्स में साइन किया, अपनी ईमेल से सारे डिजाइन मेल किए, मैंने देखा था तुम्हें सिंघानिया से बात करते हुए, हंस हंस के बातें कर रहा था तुमसे, और ये अब तुम्हारा पेमेंट भी आ गया, पूरे 50 लाख। किस पे यकीन करूं, तुम्हारी बातों पे या जो सच मेरी आंखों के सामने है इस पे? सिर्फ कई बार जो आंखों के सामने होता है ना वो सच नहीं होता है। हम जानते हैं कि वो अग्रीमेंट हमसे गलती से साइन हो गया था, पर वो डिजाइन्स हमने नहीं भेजे थे। प्लीज हमारा यकीन करो, हमने सब जानबूझ के नहीं किया है।
जानबूझ के किया तुमने। तुम्हें 6 महीने की जबरदस्ती वाली शादी से छुटकारा जो चाहिए था, मुझसे ये घर छुड़वाना था। तो तुमने सोचा ये करके मैं बहुत बड़ा अमाउंट कमा लूंगी, तो इसलिए तुमने सिंघानिया को सब डिजाइन बेच दी 50 लाख में। वो डिजाइन जो कला क्रिएशंस के थे, तुमने मेरी माँ के नाम के डिजाइन का सौदा कर दिया। हमने कोई सौदा नहीं किया ऐसे। अब तुम्हारे लिए ये शादी सौदा है तो डिजाइन क्या चीज है आशी? किस पे यकीन करूं, तुम्हारी बातों पे या जो सच मेरी आंखों के सामने है इस पे? तुमने मेरी माँ के नाम के डिजाइन का सौदा कर दिया। अब तुम्हारे लिए ये शादी सौदा है तो डिजाइन क्या चीज है आशी? हमारा वादा है तुमसे, तुम्हारे सपनों के बीच किसी को नहीं आने देंगे। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम देखना सब कुछ ठीक कर देंगे। सिंघानिया से मिलने जा रही हो आशी? जी काकी। सिंघानिया को गलतफहमी हो गई कि हमने अपनी डिजाइन उसे बेची, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो हम उससे मिलने जा रहे हैं, उसे उसके पैसे वापस कर देंगे और अपने डिजाइन वापस लेंगे। लेकिन आशी वो भी क्या करेंगे, तुम्हारी डिजाइन है ही इतनी बेहतरीन जिसकी एक बार नजर पड़ जाए तो बिल्कुल दिल में उतर जाती। देखो हमें तो बचपन से पता था, हाँ परख लिया था हमने तुम्हें। अब देखो ना थोड़ी सी डिजाइन के कितने ज्यादा पैसे मिले तुम्हें, है ना 50 लाख। तेरे बाबा जब तक थे तब तक सब ठीक था, घर कारोबार सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से तेरे बाबा हॉस्पिटल में है हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है। ऊपर से कुणाल हमारा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम मदद भी कर लेते उसकी, लेकिन आशी अब ये पैसे आ गए हैं तो कितना कुछ कर सकते हैं ना उस पैसों से। अब तुम अपना ब्रांड भी आगे बढ़ा सकती हो। है नहीं काकी माँ, हमने डिजाइन सबकी माँ की ब्रांड के लिए बनाए थे, हम ये किसी और को नहीं देंगे, उसकी माँ के नाम से ही लॉन्च होंगे। हाँ लेकिन आशा की कुछ जज्बातों की कीमत ना पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं। हमने फैसला कर लिया है, हम सिंघानिया को उसके पैसे वापस देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आशी जी, अमित जी ने अक्षय तृतीया पे तुम्हें वो सेट दिया था ना, तुम हमें दे दो। नहीं वो हम बैंक जा रहे थे ना, सोचे कि विद्या और निधि का भी सेट लॉकर में रख दे, तो तुम्हारा भी रख देंगे, दे दो हमें। जी आई नो सिड, अब तू बहुत गुस्से में है, लेकिन मुझे नहीं लगता आशी ने यह सब जानबूझ के किया है। वो ऐसी लड़की है ही नहीं, वो इतना बड़ा धोखा हमें नहीं दे सकती। मन तो मेरा भी नहीं मानता मासी,
और जो सच्चाई है मेरी आंखों के सामने है, उनका क्या करूं? उसने खुद अपने हाथों से वो एग्रीमेंट पेपर साइन की, सारे डिजाइंस मेल किए और मैंने खुद देखा उसे सिंघानिया के साथ रेस्टोरेंट में। लेकिन आशी कहती है कि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता। काश की मासी ऐसा ही हो, काश कि मेरा मन जो कह रहा है वो सच हो, आशी गलत ना हो। मासी मैं बहुत कश्मकश में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने राघव के मामले में आशी पर विश्वास नहीं किया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि हमें एक बार आशी को चांस देना चाहिए, और उसने कहा है कि वो सिंघानिया से खुद जाकर मिलेगी और सब ठीक कर देगी। और हम एक काम कर सकते हैं, हम कला क्रिएशंस दोबारा से नए डिजाइन के साथ लॉन्च कर सकते। नहीं मासी, कला क्रिएशंस के डिजाइन्स वैसे ही लॉन्च होंगे जैसे होने थे, मैं अपने डिजाइन्स नहीं बदलूंगा। ठीक है, फिर आशी के लिए वेट करते हैं, देखते हैं वो सिंघानिया के ऑफिस से क्या न्यूज लाती है। नीलिमा आंटी, मुझे नहीं पता था आशी इन सब में इन्वॉल्व है। मैंने सिंघानिया ग्रुप को हमारी डिजाइन चोरी करने का लीगल नोटिस भेज दिया है। सर, कला क्रिएशंस ने हमारे ऊपर केस किया है। मैम रुकिए, मैम आपने हमें 50 लाख का चेक भिजवाया था ना, ये रहा आपका चेक, नहीं चाहिए आपके 50 लाख। सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये किसी की सुन नहीं रही थी। आप किसी की सुनती? देखिए मिस्टर सिंघानिया, हम नहीं जानते कि आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया है, लेकिन जैसे भी किया है धोखे से किया है, आपने हमें धोखा दिया है। A piece of advice for you. जब भी अपने बॉस से मिलते हैं तो पहले और courtesy से एक हेलो बोलते हैं। आप हमारे बॉस नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। माना कि वो अग्रीमेंट हमने साइन किया और वो भी गलती से, लेकिन वो मेल हमने नहीं भेजा है। किसने भेजा आपको मेल? तुमने। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ईमेल पे होता है आज। ईमेल बिजनेस का सबसे बड़ा सबूत और सोर्स होता है। तुम्हारे साइंड एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी ईमेल आईडी से मिले मुझे। हमने आपको कोई मेल नहीं भेजा है, ठीक है? और हम नहीं जानते हमारी आईडी से वो मेल आपको किसने भेजा है। तो एक बात तो क्लियर है मिस्टर सिंघानिया, हमें आपको अपने डिजाइन बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप अपने पैसे वापस लीजिए, हमें हमारे डिजाइन वापस दीजिए और मार्केट से अपना सारा माल वापस उठाइए। बाय द वे मिस, धोखा मैं दे रहा हूँ या आप? हम कोई धोखा नहीं दे रहे, हमारे डिजाइन चुराई आपने, ये चेक भेजा आपने, जब हम आपको वापस करने आए। और वो तो ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? हम चेक लेके आए अपना। पैसे भी विड्रॉ हो चुके। आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, हमें हमारी डिजाइन वापस मिल जानी चाहिए। सहर अमृता, क्या गजब ढा रही हो तुम नई साड़ी में, गजब लग रही हो। काकी तुम आ गई आशी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या है ना, शादी में तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे पाए, इसलिए देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो तुम्हारी शादी का तोहफा, नई साड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए, देखो देखो।
सब क्या है कि कैसे? कैसे मतलब? तुम्हारा वो चेक था ना, अरे 50 लाख वाला, बस हमने बैंक में जमा कर दिया और कैश करवा लिया। हाँ भाई, तुम्हारा चेकबुक तो घर पे ही होता है, उसमें तुमने कुछ ब्लैंक चेक्स पे साइन भी करके रखी थी। बस वो पैसा जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में आया, हमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। एक काम तुम बहुत बढ़िया करती हो, ब्लैंक चेक पे साइन करके रख देती हो। देख काम आ गए ना पैसे। ऐसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि तुम्हें कभी अचानक से 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। देखो पैसे आ गए, पहले तुम्हारे पास फिर हमारे पास। अब आशी, हमें ना तुमसे पैसे बार बार मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कितने महीनों से हमने कोई शॉपिंग नहीं की थी, ना हमारे लिए ना अपने बच्चों के लिए, इसीलिए तो किया है ये सब भाई, मजा आया करके। काकी अब हमें ये पैसे वापस देने होंगे, हम ये पैसे रख नहीं सकते, ये गलत है। काकी माँ, हमने जो डिजाइन बनाई थी वो सिंघानिया के लिए नहीं बनाई थी, वो सिद्ध की माँ की ब्रांड के लिए थे। अगर हमने ये पैसे रखे तो वो सिद्ध को, उसकी माँ को धोखा होगा। हम धोखा नहीं दे सकते काकी माँ। हाँ बेटा, हम तो जानते हैं तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन हम तो धोखा दे सकते हैं ना। सिंघानिया, अगर सिद्धार्थ अपना कलेक्शन लॉन्च कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं? दोनों ब्रांड्स को सेम डिजाइन हमने दी है, सजा के हकदार हम हैं, हम तैयार हैं सजा के लिए। अगर सिद्धार्थ शर्मा ने उसका कलेक्शन का लॉन्च नहीं रोका तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। So guys, these are my designs. Wait, I will show you one by one. वहीं रुक जाओ। इसने मेरी माँ के नाम के साथ धोखा किया है। This is आशी सिद्धार्थ शर्मा. Just get out from here. और आज के बाद यहाँ आना मत, मेरे स्टोर में कदम मत रख देना।